वर्षाली मल्होत्रा, आप सबकी मुन्नी। कीप वॉचिंग बोल इंडिया न्यूज़, अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। हुई की शख्सियत में छोटी ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हनीफ शेख मेरे साथ मौजूद है। हनीफ जी, बोल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत आपका सारे मकसद में स्वागत है। और माशाल्लाह, कहा जाए कि यूएई का कोई भी इवेंट हो तो हनीफ शेख के बिना अधूरा होता है। अल्लाह ने इज्जत नवाजी है। रहमान भाई, वेरी नाइस टू सी यू एंड थैंक यू बोल इंडिया बोल फॉर कवरिंग द न्यूज। यहाँ पर आज हम सब जमा है, इवेंट है इन्फ्लुएंसर इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जो कि डॉक्टर शमा है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। साथ में हमारे पूरे फ्रेंड्स हैं, आयशा मीर और हम लोग भी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आज। यानी ये एक अवार्ड शो है और साथ में जो है काफ़ी सारा लॉन्चेस भी है, तो आप देखेंगे आगे और भी लॉन्चेस हैं। और मैं डॉक्टर शमा बिलोंग करती हैं एडुकेशन इंडस्ट्री से, दोनों के पार्टनर फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन यूके बेस्ड इन ओमान। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट शमा एंड ऑल द अवॉर्डीज फॉर कमिंग इन एंड जॉइनिंग, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों होता है कि इंडिया को अगर अवार्ड शो करना होता है दुबई पे और वो पहला कॉन्टेक्ट होता है हनीफ शेख? अब देखिए, जो है मेरे को 27 साल हो गए इवेंट एग्जीबिशंस फेस्टिवल्स और ये इवेंट इंडस्ट्री में, और जो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि हर एक को सपोर्ट करूँ, एड ऑन वैल्यू दूँ, तो मैं अल्लाह इज्जत देने वाला है और ये सब दोस्त हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो पूरी इवेंट इंडस्ट्री है दुबई की, उसका स्टैंडर्ड और आगे लेकर जाएं और दुबई को वन ऑफ द बेस्ट हब फॉर द इवेंट्स बनाए, अवार्ड शोज, ब्यूटी शोज, फैशन शोज। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इवेंट्स ऑफ दुबई आई एम कनेक्टेड विद। आई एम सो प्राउड एंड आई थैंक ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजर एंड इवेंट मैनेजर्स टू बी कनेक्टेड। एंड ये शो भी अच्छा सक्सेसफुल होगा, इंडियन कम्युनिटी का शो है और काफ़ी मल्टी नेशनल नेशनलिटीज भी आए हैं अवॉर्डीज का। ऑल द बेस्ट फॉर द शो। हनीफ भाई, जैसा भी आपने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे दुबई का नाम है, नो डाउट, और वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स यहाँ होना चाहिए। नो डाउट, जैसा कि दिख रहा है अभी ऑल बॉलीवुड धीरे 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 मूव कर रहे हैं दुबई की ओर, तो उनके लिए क्या मैसेज है और दुबई खासतौर से क्या है, क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? देखिए, अगर दुबई यूएई का नाम निकलता है तो सबसे पहले जो है मैं थैंक करना चाहूँगा यूएई के जो शेख्स हैं, लीडर्स हैं, इन लोगों ने ये यूएई बनाया है। और आप देख सकते हैं कि यूएई जो उनका विजन था कि हर चीज़ में नंबर वन है आज के तारीख में, आप अगर मैप में देखें तो एक डॉट दिखता है, इतनी छोटी कंट्री है, लेकिन इन्होंने जो फैसिलिटीज दी हैं, जो उनका ये विजन है लीडर्स का, और हर चीज़ में नंबर वन है। अब मैं भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने ट्रैवल करके आया हूँ, आप देखते हैं कि दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस। आपकी एक लेडी रात में 2-3 बजे अकेले निकल जाए रोड पर चले, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना यहाँ पे चोरी चक्कारी है, ना लूटमार है, ना, सो वेरी सेफ कंट्री एंड वेरी यूजर फ्रेंडली एंड वेरी हाई स्टैंडर्ड, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलता है। और फिर नाम है यार दुबई का, एक नाम अभी समझो कि एक नॉर्मल अवार्ड शो और कोई भी किधर कर रहे हैं, वही शो दुबई में रख देते हैं तो 10 times ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और फिर हर चीज़ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड है प्रोडक्शन का, हर चीज़ का तो है। और हम भी कोशिश करते हैं, और जिसको भी करना है ये मैसेज उनके लिए आप आए, ओपन हैंडेडली वी वेलकम यूएई, स्पेशली वेलकम्स बाद में यूएई के, हम भी हैं यहाँ पर यानी, और खासकर अपनी इंडियन कम्युनिटी को तो हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आइए, वेलकम।